नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में जानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी, क्या कुछ है पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर लेंगे, चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, 100 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, ऐसी तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले, और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी, कई बड़े नेता हुए एक साथ शामिल। आप लोगों को दोस्तों बता दें, पूर्व सांसद सुशील इंदौर कांग्रेस में शामिल हुए, एडीपी का विलय भी किया। जी हां दोस्तों, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्व सांसद सुशील इंदौर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुशील इंदौर ने अपना डेमोक्रेटिक पार्टी का भी कांग्रेस में विलय करने का फैसला किया है। 2016 में सुशील इंदौर ने अपना डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। इससे पहले सिरसा से एक और पूर्व सांसद चरणजीत रोड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सुशील इंदौर 1998 और 99 में इंडियन नेशनल लोक दल के टिकट पर सिरसा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, हालांकि इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद यहां पर बीजेपी को एक तरीके से झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी कामयाबी हरियाणा विधानसभा चुनाव में। दोस्तों यह बेहद बड़ी खबर निकल के आई, आइए अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश झाबुआ उपचुनाव से पहले बीजेपी को सीएम कमलनाथ ने दिया बड़ा झटका, क्या है पूरा मामला आप लोगों को बता दें। झाबुआ उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने कमर कस ली है, पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में जनसभा और रोड शो भी किया है। कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान भाजपा को एक बड़ा झटका भी दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल किया, उन्होंने सभी को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें, झाबुआ उपचुनाव में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए दिग्गज नेताओं ने यहां कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां जनसभा में लोगों को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के आई झाबुआ उपचुनाव से, मध्य प्रदेश के अंदर से, जहां पर बीजेपी को सीएम कमलनाथ ने दिया है बड़ा झटका, 100 कार्यकर्ताओं को एक साथ पार्टी में कराया है शामिल सीएम कमलनाथ ने। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को वोटिंग पार्टियों को समर्थन पर चुप्पी साधे हैं हरियाणा के डेरे, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को दोस्तों बता दें। हरियाणा की जमीन धार्मिक संतों के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए यहां एक दो नहीं बल्कि छोटे बड़े दर्जनों की संख्या में डेरे हैं। हरियाणा की सियासत में संतों और डेरा बाबाओं को अच्छा खासा दखल है, यही वजह है कि चुनाव के आगाज के साथ प्रदेश में बाबाओं के डेरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में मतदान में महज चंद दिन बचे हैं, इसके बावजूद अभी तक यहां के डेरों, संतों और धार्मिक गुरुओं के संगठनों ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा की। हरियाणा के सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के भक्तों की तादाद देश भर में करीब 6 करोड़ मानी जाती है। हरियाणा की सियासत में इस कदर इनकी तूती बोलती है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज तक डेरा सच्चा सौदा के दरबार में जाकर समर्थन की गुहार लगाते रहे हैं। मौजूदा समय में गुरमीत राम रहीम इन दिनों जेल में बंद है। इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अभी तक किसी भी पार्टी के लिए अपने समर्थन का खुला ऐलान नहीं किया है। डेरा सच्चा सौदा ने सियासी मामलों को देखने के लिए एक 15 सदस्यों की समिति गठित कर रखी है। विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना है, इसका फैसला यह कमेटी ही करेगी।
बात करते हैं संत रामपाल की। जी हाँ दोस्तों, रामपाल के समर्थकों में जाट समुदाय की अच्छी खासी भागीदारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरु रामपाल ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, 2014 विधानसभा की बात करते हैं, जहां पर डेरा सच्चा सौदा ने खुला समर्थन किया था भाजपा का और एक अहम भूमिका निभाई थी सत्ता में भाजपा को लाने में यहां पर डेरा सच्चा सौदा ने। लेकिन इस बार मिल रही खबरों के अनुसार आपको बता दें, निकल के आ रही है अंदर से खबर कि बीजेपी को समर्थन नहीं करेगा डेरा सच्चा सौदा। जी हां दोस्तों, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह स्थिति साफ कर दी गई है कि वह बीजेपी को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगा, भले ही किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर दे, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर आ रही है यहां पर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव में। इस खबर को लेकर के जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। गुजरात, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने निकलकर आया है। 400 दलितों ने अपनाया बौद्ध धर्म, कहा भेदभाव और अत्याचार से थे दुखी। आप लोगों को बता दें, गुजरात के महसाड़ा से एक ऐसा मामला सामने निकलकर आया है जहां 400 से ज्यादा दलितों ने असमानता और अत्याचार से परेशान होकर धर्म परिवर्तन का फैसला किया है। दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। करीब 400 दलितों ने हिंदू धर्म का त्याग करते हुए कहा कि वो खुद के साथ हो रहे असमानता और अत्याचार से काफी दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म अपनाने से होगा दलितों का विकास। जी हां दोस्तों, उनका कहना है कि सामाजिक तौर पर दूसरे धर्म के लोगों के मुकाबले दलितों का कम विकास हो रहा है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से दलित विकास कर पाएंगे। ये बड़ी बातें दोस्तों इन लोगों के द्वारा कही गई है, जहां पर देख सकते हैं गुजरात के अंदर 400 दलितों ने अपनाया है बौद्ध धर्म और कहा है कि भेदभाव और अत्याचार से थे दुखी। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, इस खबर को लेकर के जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। अखिलेश की बीजेपी सरकार व अफसरों को चेतावनी, सपा सरकार आने पर होगी पुष्पेंद्र एनकाउंटर की जांच। आप लोगों को बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि पार्टी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए साइकिल यात्रा निकालेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि यह साइकिल यात्रा वह विधानसभा उपचुनाव के बाद निकालेंगे। इस साइकिल यात्रा की बात खुद कमान संभालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पुष्पेंद्र यादव का फेक एनकाउंटर हुआ है, नौजवान की झांसी पुलिस ने हत्या की है, प्रदेश सरकार इस मामले में इंसाफ करे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2022 में सपा सरकार बनी तो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर कांड की दोबारा जांच होगी, जांच कराकर एनकाउंटर कांड के दोषी अफसरों पुलिस कर्मियों को जेल भेजा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि मेरी भाजपा सरकार और उनके अफसरों को धमकी और चेतावनी भी है। यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों ये बड़ी बातें कही गई हैं और कहा गया है कि सपा सरकार आने पर होगी पुष्पेंद्र एनकाउंटर की जांच और सभी दोषियों को जेल में भेजा जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, एनसी कांग्रेस के बाद अब पीडीपी का ऐलान नहीं लड़ेंगे बीडीसी का चुनाव। क्या है पूरा मामला आप लोगों को दोस्तों बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऐलान के बाद अब पीडीपी भी जम्मू कश्मीर में होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव यानी कि बीडीसी का बहिष्कार करेगी। पीडीपी के प्रवक्ता फिरदौस टाक ने कहा कि कश्मीर के ज्यादातर नेता हिरासत में है, ऐसे में वे कैसे बीडीसी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को फैसला लेना है वे हिरासत में है, कांग्रेस भी करेगी बहिष्कार। उधर कांग्रेस बीडीसी चुनाव का बहिष्कार करने की पहले ही फैसला कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि कश्मीर में राजनीतिक नेता नजरबंद हैं। चुनाव आयोग को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव ऐलान से पहले राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि जब नेता हिरासत में होते हैं तो राजनीतिक दल चुनाव में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, अगर सरकार ने सभी नेताओं को रिहा कर दिया होता तो हम चुनाव में हिस्सा लेते, लेकिन हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने कर दिया है बीडीसी चुनाव का बहिष्कार। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका, मूडीज ने घटाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बता दें,
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साल 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश समेत दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा रही हैं। बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था। आरबीआई के बाद अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अनुमान को घटा दिया है। ताजा रिपोर्ट में मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ग्रोथ रेट अनुमान घटाकर 5.8% कर दिया है। पहले इसका जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.2% था। इस लिहाज से मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान में 0.4% की कटौती की है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, आरबीआई ने भी दिया था तगड़ा झटका। इससे पहले बीते हफ्ते केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटाने का ऐलान किया था। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.1% की दर से हो सकता है। इससे पहले आरबीआई ने 6.9% की दर से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया था। तो यहां पर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर मोदी सरकार को लगा है तगड़ा झटका। मूडीज ने घटाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, गंभीर परिणाम की दी है चेतावनी। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, इस महीने 14 लाख परिवारों का बिजली बिल आया जीरो। आप लोगों को दोस्तों बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए यह घोषणा की है कि उनकी सरकार की नीतियों की वजह से इस बार दिल्ली के 14 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उनका दावा है कि इस बार 14 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है, यानी उन्हें बिजली बिल के नाम पर एक रुपए भी नहीं देना होगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली की मुफ्त बिजली स्कीम स्मार्ट गवर्नेंस की एक मिसाल बनने जा रही है। दिल्ली के 14 लाख परिवारों को इस महीने जीरो बिल मिलने के बाद अब हर परिवार अपनी खपत 200 यूनिट से कम करने की कोशिश कर रहा है। जनता को मुफ्त बिजली का लाभ भी दिया जा रहा है और लोग अब बिजली भी बचाने लगेंगे। बता दें कि बीते महीने ही दिल्ली सरकार ने महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को मुफ्त बिजली का ऐलान किया था। सरकार 200 यूनिट के बाद भी किफायती दामों में बिजली दे रही है। दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी बिजली बिल 200 यूनिट्स के अंदर ही खर्च होती है। ऐसे में इस योजना से उन परिवारों को लाभ हो रहा है। ये बड़ी बात है दोस्तों अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई। ये सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, हमने आप लोगों को बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा खबरों को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइए, आप सभी का बहुत